डियर फ्रेंड, आज फिर से हम नई वीडियो लेकर आ चुके हैं अपने द्वारिघाट रेलवे स्टेशन की। और इस अपडेट में हम पूरा अच्छे तरीके से जो है कि आपको हम अपडेट क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए बात कर रहे हैं, ये जो पैनल जो भी नए लगाए गए हैं इन पर जॉइंटों का पूरा काम चल रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जॉइंट मारे जा रहे हैं और उसी तरह से जो है कि आगे के साइड पैनल पर पाने का काम, ये काफ़ी दिनों तक जो है कि ये काम चलेगा। और बहुत कुछ काम अभी बचा हुआ है अपने द्वारिघाट रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि सबसे पीछे जो है कि द्वारिघाट रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है हर एक मामले में। और यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जो हम यहाँ से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर भी लिखा हुआ है और सिग्नल लाइन भी है और ट्रैक भी है और डेट भी है, सब कुछ यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो अभी इन पर और भी बहुत कुछ लिखने बाकी हैं, जो लिखा नहीं गया है वो भी लिखे जाएंगे, हो सकता है मुमकिन। तो आइए हम आगे के साइड में चलते हैं, बात करते हैं। हम चलेंगे आगे के साइड में, यहाँ से हम थोड़ा सा दिखाते हैं। और ये देखिए किस तरह से वेल्डिंग किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी इनका वेल्डिंग करने का अलग तरीका है और अलग हिसाब है, जिस तरह से हम दोनों साइडों से आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से जो है कि वेल्डिंग पूरा किया गया है और फिलहाल ये आज के टाइम में किया गया है, काफ़ी हीट भी है। तो दोनों साइडों से इस तरह से वेल्डिंग किया जा रहा है, जो हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए कैसे वेल्डिंग होता है। तो आई होप कि सारी बातें आपको बेहतर तरीके से हमारी ज़रूर समझ में आ गई होंगी। तो ये हम आगे के साइड में भी मुमकिन जहाँ पे जॉइंट होंगे वहाँ पर वेल्डिंग पूरे किए गए होंगे। और ये पैनल जो भी रखे गए हैं इनको हम बता दें एक साइड से कि यहाँ पर बाउंड्री भी मुमकिन मारा जाएगा लास्ट तक पैनल ये लगाकर दोनों साइडों से। तो अभी फ़िलहाल इन पर कोई कार्य नहीं चल रहा है, मगर लास्ट टाइम में हो सकता है ये पैनल लगाकर बाउंड्री मारने का पूरा काम भी किया जाएगा, जो अभी नहीं किया जा रहा है। तो चलते हैं आगे के साइड में, स्टेशन पर चलेंगे और पूरा अपडेट आपको अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की भी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो ज़रा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। तो चलते हैं आगे के साइड में और बात करते हैं अपने द्वारिघाट रेलवे स्टेशन बिल्डिंग टिकट घर के बारे में, जो काम वहाँ पर किया जा रहा है काफ़ी तेज़ी गति से। और कल द्वारिघाट का उद्घाटन भी था, जो लोको ट्रेन आई हुई थी शाम को मुमकिन 7 बजे करीब यहाँ पर ट्रेन पहुँच गई थी और यहाँ पर पार्टी वोटी भी रखी गई थी, मगर हम आ नहीं पाए क्योंकि उस ट्रेन को कवर करने के लिए हमने घोसी से कवर किया और आपको दिखाया। और काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कमेंट करके कि भाई जो है कि द्वारिघाट से प्रयागराज के लिए ट्रेन चलेगी, तो 3 ट्रेनें यहाँ पर चलने वाली हैं, द्वारिघाट से प्रयागराज के लिए चलेगी और एक छपरा बलिया के लिए हो सकता है चले और एक इंदारा द्वारिघाट के लिए चले, तो 3 ट्रेनें चलनी है। तो देखो जब तक ट्रेन नहीं चलता है तब तक फाइनल नहीं हो पाता है कहाँ से कहाँ चलेगी, जब चलेगी तो उसमें हम सफ़र करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कहाँ से कहाँ ट्रेन चलेगी। तो आई होप की सारी बातें आपको हमारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और ट्रेन मुमकिन 10 से 12 तारीख के अंदर में ट्रेन जो है कि इस पर पब्लिक के लिए चल जाएगी, जो सफ़र कर पाएंगे। तो इन पर अभी वर्क किया जा रहा है और सबसे पीछे वर्क अपने द्वारिघाट रेलवे स्टेशन का हो रहा है। बाकी स्टेशनों का अगर बात करेंगे तो सब स्टेशन पे अच्छे तरीके से वर्क संपूर्ण किया गया है और अभी फ़िलहाल इतने जल्दी स्टेशन फाइनल नहीं होंगे, इनको फाइनल करने के लिए मुमकिन 1.5 साल से 1.5 साल लग सकते हैं। ट्रेन भले 2-4 दिन में चल जाए मगर वर्क इन पर 1.5 साल का भी बचा हुआ है, जो करना बाकी है और आगे भी होगा। और सही माने में अगर इन पर अगर 130 या अगर 40 की अगर स्पीड से ट्रेन अगर चला दी जाए तो पक्का ट्रेन जो है कि पटरी से उतर जाएगी। अभी इतने लायक ये पैनल नहीं बने हुए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं, तो 130 या 40 में अगर चलेगी ट्रेन तो मुश्किल है पटरी से उतरने के लिए। तो देखिए काफ़ी इन पर अभी वर्क बाकी है हमारे हिसाब से, आगे इन लोग की मर्ज़ी है किस तरह से काम करेंगे। तो आइए हम चलते हैं आगे के साइड में, पूरा बात करेंगे क्या कुछ अपडेट चल रहा है आगे के साइड में।